ये जेन स्टीलो कार है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है, और ये देखो क्या हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है क्यों हो रहा है, क्योंकि गाड़ी है ओवरहीट हो रहा है। यहाँ पे जो है कूलेंट की जो कैप है, ये कैप है, ये लीकेज है। लीकेज होने की वजह से ये वैक्यूम जा रहा है इसमें ज़्यादा, और ये देखो क्या हाल हो रहा है। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल है बाहर कूलेंट फेंक रहा है पूरी, और नीचे गिर रहा है। तो इसकी जो है कैप चेंज करना पड़ेगा। कैप चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। रेडिएटर वगैरह अगर चौक होगी तो उसको साफ़ कराना पड़ेगा इस हालात में, क्योंकि ये जब होता है जब गाड़ी के अंदर यानी कि आपकी इंजन ओवरहीट हो और आपकी जो है कैप है, ये कैप है वो लीक कर जाए, तो कैप में रबड़ होती है, ये रबड़ जो है लीक हो जाए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। कितने ज़्यादा ये उबाला मार रहा है पानी के चलते, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो एक कैप को रिप्लेस करना होगा, रेडिएटर को क्लीन करवाना होगा, और इंजन में ओवरहीट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करना होगा। तीन चीज़ चेक करने के बाद में प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। जो इस तरीके से भाप बन रही है ये वाली,